सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसे LSE भी कहते हैं। सो LSE इज़ ए पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी और इसका अफिलिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ है। सो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 1895 में एस्टैब्लिश हुआ था और लंदन यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने अपना फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम 1901 में रिलीज किया। हर साल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अराउंड 11,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं और इसमें से 55% यानी कि 55% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो 200 से ज़्यादा कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। सो LSE का कैंपस जो है वो ह्यूटन लंदन में लोकेटेड है। सो लंदन में होने की वजह से काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे हमेशा खड़े रहते हैं। अब बात करते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रैंकिंग्स के बारे में। QS वर्ल्ड रैंकिंग्स 2022 के अकॉर्डिंग लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 49th रैंक पे है। अब बात करते हैं LSE के टॉप बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम्स के बारे में। तो यहाँ पे फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, डेटा साइंस और मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो। इन सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ेंगे, जो इन्वॉल्व करते हैं IELTS, जिसमें आपको अराउंड 7 बैंड्स का स्कोर लाना पड़ेगा, TOEFL जिसमें आपको 100 के ऊपर स्कोर लाना पड़ेगा, और PTE जहाँ पे एक 70 का स्कोर एक अच्छा स्कोर होता है। बैचलर्स प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए आपको अराउंड 95% लगेंगे आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स में। पता है काफ़ी हाई है, लेकिन बिकॉज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की इतनी ज़्यादा रेपुटेशन है, ये डिमांड करते हैं इतना हाई स्कोर। फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम आपको यहाँ पे अराउंड 7 CGPA अगर आपका CGPA सिस्टम के अकॉर्डिंग है, और परसेंटेज के वाइज आपको अराउंड 65% के ऊपर आपके मास्टर्स में लगेंगे। इसके अलावा आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे फॉर योर मास्टर्स, जो है GMAT। अभी LSE की अगर हम एप्लीकेशन और ट्यूशन फीस की बात करें, तो इसके बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अराउंड 26 pounds की फ़ी भरनी पड़ती है, वही उसके मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए अराउंड 80 pounds की फ़ी भरनी पड़ती है। इसके अलावा ट्यूशन फीस की जब बात होती है, तो बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम की एवरेज फीस अराउंड 22,000 pounds से लेकर 38,000 pounds के बीच में होती है। इस हाई फी को फंड करने के लिए आपके पास काफ़ी स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अंडर ग्रेजुएट ऑप्शंस में दो ऑप्शंस जो आपके पास रेडिली अवेलेबल है, वो उसमें से एक है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की अंडर ग्रेजुएट सपोर्ट स्कीम, जो आपको 6,000 से लेकर 15,000 pounds तक की हेल्प ऑफर करती है। उसके बाद एक उगला फैमिली स्कॉलरशिप नाम की स्कीम आपके लिए अवेलेबल है, जिसकी वैल्यू अराउंड 27,000 pounds आती है। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। सो कंपनीज जो LSE से हायर करती हैं, उनमें से कुछ है LinkLaters, Bloomberg, Allen & Overy एंड Google जैसे कंपनीज। अगर आप पोजीशंस की बात करेंगे, तो मीडिया, लॉ, मार्केटिंग जैसे अलग अलग पोजीशंस में आपको काफ़ी अच्छे सैलरीज भी ऑफर होती हैं। जब बात करते हैं अकोमोडेशन की, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के पास अपने खुद के काफ़ी सारे रेजिडेंसी हॉल्स अवेलेबल हैं, जिनमें 4,000 के अराउंड स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन अवेलेबल की गई है। ऑफ कैंपस अकोमोडेशंस में स्टूडियो अपार्टमेंट्स, 1 BHKs, 2 BHKs एंड इवन 3 BHKs अवेलेबल हैं, जिनको आप सिंगल एंड शेयरिंग बेसिस पे ले सकते हो, जिसका खर्चा अराउंड 8,000 से लेकर 20,000 पर ईयर तक पड़ सकता है। अगर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फेमस एलुमनाई की बात की जाए, तो पियर ट्रूडो, एंजेलिना जोली और सोहा अली खान जैसे काफ़ी फेमस लोग इस कॉलेज का हिस्सा थे। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बस इतना ही। अगर आपको कोई और डाउट्स है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाने की चाह रखता हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।